कार्यक्रम दो दो है, एक तो गंगा उद्भव योजना है और यहाँ पे जो झूला बनना है और रबर डैम है उसके अवलोकन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हो रहा है। कार्यकर्ताओं में कैसा उत्साह है? नहीं, निश्चित रूप से सभी कार्यकर्ता उत्साहित हैं और सभी लोग अपने अपने जगह पे अपने नेता से मिलना चाहते हैं और उसी में हम लोग भी हैं। माननीय पूर्व मंत्री जी का मैं यहाँ पे अभिराम शर्मा जी भी आए हुए हैं। गंगा का पानी पटना अब से गया आ रहा है, तो कितनी बड़ी सौगात है गया? निश्चित रूप से गया पवित्र धरती है, पावन धरती है और सभी पूरे विश्व के लोगों का चरण यहाँ पे स्पर्श होता है। ऐसे में गंगा का पानी यहाँ पे आना, पानी का अति दुर्लभ था पानी यहाँ, और वैसे में माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश में गंगा का पानी यहाँ अवतरण हो रहा है। धन्यवाद के पात्र हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। हम सभी लोगों में गया, बल्कि गया जिले में रहने वाले सभी लोगों में उत्साहित हैं सभी लोग। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गया पहुँचे और गया पहुँच कर उन्होंने कई योजनाओं का निरीक्षण किया, जिसमें गया उद्योग योजना, रबर डैम और लक्ष्मण झूला शामिल है। आपको बता दें कि गया जिले में नीतीश सरकार का ये दो ड्रीम प्रोजेक्ट लगभग पूरा होने के कगार पर है। रबर डैम का काम 25% हो गया है, वहीं गंगा उद्योग योजना जो गंगा से गया पानी आने वाली है पेयजल के लिए, उस योजना का 75% काम हो गया है। वहीं लक्ष्मण झूला का अभी तक शिलान्यास नहीं हुआ है। देखिए, यहाँ के पुजारी हैं सीताकुंड का, जहाँ रबर डैम और लक्ष्मण झूला बनने वाला है। यहाँ से तीर्थयात्रियों को काफ़ी सुविधा होगा। देखिए, रबर डैम और लक्ष्मण झूला बनने से कितना तीर्थयात्रियों को सुविधा होगा? रबर डैम और लक्ष्मण झूला बनने से काफ़ी यही है कि जो यंग लोग रहते हैं नदी उस पार चले आते हैं, जो बूढ़ा बुजुर्ग जो होते हैं माता पिता घूम रहे को लोग, वो लोग को सुविधा आने में अच्छा रहेगा। और रबर डैम और लक्ष्मण झूला बनने से बहुत 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 नीतीश बाबू को हम धन्यवाद देते हैं कि ये बनने से जितने भी यात्री लोग जो अपंग लोग रहते हैं उनको आने से सुविधा मिलेगी। रबर डैम रहने से पानी भी सालों भर, हाँ पालू भी सालों भर रहेगा। तीन होती जो आपने 3-3.5 फीट का ये जो गंगा जी का जो इसमें फल्गु नदी में मिलाया जा रहा है, इसमें 12 मास पानी रहेगा। और यहाँ का जो गया का देशवासी जो यहाँ का गया के रहने वाले वासी लोग हैं, इन लोग का भी अच्छा मिलेगा, ताकि बगल में ही पानी हो। पानी मिलने से बहुत लोगों का भी काफ़ी सुविधा मिल सकता है। मेरा नाम दिनेश कुमार पांडे, मैं यहाँ का पुजारी हूँ। देखिए, यहाँ के पुजारी हैं और यहाँ के लोगों के साथ साथ जो तीर्थयात्री पितृपक्ष के दौरान में लाखों की संख्या में आते हैं, उनको काफ़ी सुविधा होगा। रबर डैम बनने से तीर्थयात्रियों को साले भर फल्गु नदी के पानी से तर्पण करने को मिलेगा। दूसरी तरफ लक्ष्मण झूला बनने से फल्गु नदी पार करने में उनको काफ़ी आसानी होगी और पर्यटन का भी एक साधन तैयार हो जाएगा। आपको बता दें कि नीतीश कुमार जब यहाँ आए लक्ष्मण झूला का निरीक्षण करने सीताकुंड पर, तो उन्होंने मनसरवा नालों को देखकर काफ़ी चिंता व्यक्त किया। और इससे पहले भी जब मनसरवा नाला में बाढ़ आया था, तो उसको देखकर भी उन्होंने बोला था कि मनसरवा नाले का जल्द से जल्द उपाय कीजिए। और उसके बाद 2019 के पितृपक्ष के दौरान जब नीतीश कुमार निरीक्षण करने आए थे, उस वक्त भी उन्होंने निर्देश दिया था कि मनसरवा नाला का उपाय किया जाए, कुछ उसका विकल्प तौर निकाला जाए। पर अभी तक मनसरवा नाले का कुछ भी उपाय नहीं हुआ है। नाले के पानी फल्गु नदी में गिर रही है, जिसको लेकर नीतीश कुमार काफ़ी चिंता जाहिर किए हैं। जितने भी सचिव स्तर के अधिकारी थे, सभी को उन्होंने तलब कर इसके बारे में सवाल जवाब किया और उनसे इसके बारे में राय मांगा है। गया से ETV भारत के लिए स्वीप पाया।